क्लास जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा था। ठीक है, और क्या कर रहा था, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो हो रही थी। लेकिन वहीं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या हो रहा था, डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो रही थी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने क्या की, लास्ट क्लास में पढ़ ली, तो हमें पता चल गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना था टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, पहला क्या, व्हिच गिव्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया जो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं रॉल्स लॉ से। दूसरा क्या हो गया, विच गिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं हमारे पास रॉल्स लॉ में, वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन का हर एक चीज़ क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने दो वॉल्यूम मिलाया, एक वॉल्यूम 10 है, एक वॉल्यूम 20 है, दोनों को मिला के 30 बनना चाहिए, लेकिन 30 नहीं भाई, वो 40 बन जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वो 40 वॉल्यूम हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या भाई, पॉजिटिव डेविएशन देगा, यानी क्या होगा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होगा और सॉल्यूशन का उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, यही नेगेटिव डेविएशन का क्या होगा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होगा वो सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। जैसे वॉल्यूम ले लीजिए या कॉलिगेटिव क्वालिटी प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पर पढ़े नहीं, चलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो टाइप। ठीक है, अब हम पहले डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ, विच गिव्स द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच गिव्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, ये पहला टाइप हो जाएगा हमारा। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच गिव्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, चलिए भैया, पॉजिटिव डेविएशन देता है तो इसके बारे में हमें कुछ पता करना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा। अब क्या क्या जानेंगे, देखिए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। अब पहले देखिए भैया, डू नॉट फॉलो तो रॉल्स लॉ, तो भैया दोनों नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन है हमारे पास। पहला क्या है, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता भैया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो हमें पता है कि नॉन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखिए क्या है, डेल्टा मिक्स वी इक्वल टू पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दैट इज, ये क्या बोल क्या आ रही है, ये लिखिए वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं इसको नहीं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमें मिला, ठीक है, ये इसका एक्सपेंडेड वर्जन है। यानी अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं वी एस, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं वी ए, और इसको हम मानते हैं वी बी, ठीक है, तो वी एस माइनस वी ए प्लस वी बी ये क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी वी एस की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है, नॉन आइडियल जो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच गिव पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ से पहला डेविएशन, पहला जो रूल हमको देता है, पहला पॉइंट ये हमें मिलेगा, ठीक है, वॉल्यूम के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है, इसको नोट करिए। अगला पॉइंट बताएंगे, नोट करिए जल्दी से, इसको हो गया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, एक पॉइंट इसमें और लिखवा देते हैं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर ना, हाँ टेम्परेचर, द डेविएशन, द पॉजिटिव डेविएशन इंक्रीजेज, deviation of volume ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है, एक इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको, हो गया, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारे पास डेल्टा, सॉरी तीसरा पॉइंट है डेल्टा मिक्स एच इक्वल टू क्या, पॉजिटिव, क्या भैया, पॉजिटिव होगा, यानी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए भैया आगे क्या है, अब देखिए इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन जो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा मतलब क्या, एनर्जी लेगा भैया, एनर्जी ले रहा है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी लेना, ये एनर्जी ले रहा है और इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, तो डेल्टा एच हमारे पास क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, हीट बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा, इसके आगे लिखिए एक पॉइंट, ठीक है, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक दैट इज इफ इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया भैया, देखिए बोल रहा है डेल्टा एच मिक्स क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव है हमारे पास, यानी प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। अच्छा एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की खपत क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी जितना सॉल्वेंट सोल्यूट मिलाते जाएंगे वो क्या होगा, डिजोल्व होता जाएगा, ठीक है, डिजोल्व होता जाएगा, तो यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बढ़ती किसकी है, सॉल्वेंट की, क्या होगा, सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे इस पॉइंट को नोट करिए, नोट करिए इस पॉइंट को,
जल्दी 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 जल्दी, चलिए आगे। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ चौथा पॉइंट, फॉर फॉर पॉजिटिव डेविएशन, फॉर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, पी टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, यानी पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। क्या होगा भैया, पी ए प्लस पी बी से क्या होगा, बड़ा होगा। हो गया, ठीक है, इसको नोट करिए, अगला पॉइंट लिखाएंगे। चलिए, तो क्या हुआ भैया, हमें पॉजिटिव डेविएशन चाहिए रॉल्स लॉ में, तो टोटल प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। ए और बी के कंपोनेंट से क्या होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया दोनों, चलिए आगे देखिए पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है, देखिए क्या बोल रहा है, ए बी इंट्रैक्शन, ए बी इंट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन, ठीक है। क्या होना चाहिए भैया, इंट्रैक्शन जो हो रहा है, जो ए बी का इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा ए ए और ए सॉरी ए ए और बी बी के इंट्रैक्शन से, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। चलिए भैया आगे देखिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारा द इंटरैक्शन ऑफ ए बी मस्ट बी स्मॉलर देन इंटरैक्शन ऑफ ए ए एंड ए ए प्लस इंटरैक्शन ऑफ बी बी, ठीक है। ये होना चाहिए, यानी क्या, ए बी इंटरैक्शन मस्ट बी ए ए इंटरैक्शन प्लस ए बी इंटरैक्शन, ठीक है, तभी हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, यानी ये जो इंट्रैक्शन होगा ये क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा अगर ए ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन को क्या किया जाए, एक साथ रखा जाए, सॉरी यहाँ पे बी बी इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई सवाल नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वाले पॉइंट में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स ज़रूरी हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम CH3 प्लस C2H5OH को ऐड करें, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा देखिए CCl4 प्लस का CHCl3, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या, CCl4 प्लस टॉलविन, ठीक है, अगला क्या है, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है।
यानी अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन। इन दोनों को मिला के जो सोल्यूशन बनेगा उसका भी पॉजिटिव डेविएशन, इन दोनों को मिला के जो बनेगा क्या बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और अल्कोहल और वाटर मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक नोट है ठीक है जिसको लिखाना ज़रूरी है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर नोट लिखवाते हैं आपको। चलिए ये नोट हो गया, एक पॉइंट है इन्हीं के बीच में ठीक है, इनको नोट कर लीजिए ठीक। फिर ये पॉइंट्स वाला ख़त्म हो जाएगा, कुछ बातें और बचेंगी मैं बताते रहूँगा उसको ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलिए भैया आगे चलते हैं हम लोग। और बोल रहा है ना, लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड क्लोरोहेक्सेन। एन इथाइल अल्कोहल द मॉलिक्यूलर एच बॉन्डेड एज गिवन एज फॉलोज, ठीक है। ऑन एडिंग, ये देखिए भैया क्या है, ये एक बात बचा हुआ है ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा नीचे ठीक है, नोट डाल लीजिएगा ठीक है, नोट डाल लीजिएगा। तो मैं उसको बताता हूँ, पढ़ देता हूँ फिर इसको मैं लिख भी दूंगा। ऑन एडिंग क्लोरो मॉलिक्यूल इट गेट बेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ब्रेक सम ऑफ द एच बॉन्डिंग। अब क्या होता है ना, ये जो अल्कोहल है हमारे पास ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास C2H5OH है, C2H5 और क्या है, C2H5OH है ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है ठीक है। अब क्या होगा ना, अगर हम इसको क्लोरोहेक्सेन से रिएक्शन कराते हैं, किस रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोहेक्सेन से, तो क्या होगा, ये जब बॉन्ड बनेगा ना, तो जब हम क्लोरोहेक्सेन से इसका रिएक्शन कराएंगे प्लस, क्लोरोहेक्सेन से इसका रिएक्शन होगा, Cl डाल दीजिए, तो ये क्या बनाएगा पता है, ये कुछ ऐसे बनाएगा, क्या होगा भैया, हाँ H O C2H5 ऐसे ही, यहाँ पे HOC2H5 ठीक है, तो कुछ ये प्रोडक्ट बना देगा ठीक है, बेंड अल्कोहल बना देगा ठीक है। चलिए इस चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरेक्शन घट जा रहा है ना यहाँ पे देखिए ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन देगा ठीक है। अब मैं इसको लिखवा रहा हूँ वर्डिंग से, इसको नोट कर, इसको मत बनाइएगा, मैं बना दूंगा अभी ठीक है, ये आपके समझाने के लिए था ठीक है। एक रिएक्शन है बस और कुछ नहीं है ठीक है, एक स्पेशल टाइप है ठीक है। चलिए देख लीजिए, लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन इन इथाइल अल्कोहल द मॉलिक्यूल्स आर एच बॉन्डेड, ठीक है। अब क्या होता है भैया, यहाँ पे क्या होता है, एच बॉन्डेड होता है इथाइल अल्कोहल में ठीक है, गिवन एज फॉलोज, ठीक है, यानी C2H5O और ये क्या होता है, एच होता है ठीक है, सॉरी ये एच होता है और ये वहाँ पे C2H5 ये एच ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। चलिए आगे, ऑन
एडिंग साइक्लोहेक्सेन ऑन एडिंग साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल इट गेट्स इन बेंड एल्कोहल बेंड टू बेंड एल्कोहल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एंड ब्रेक सम ऑफ द एच बॉन्ड बिटवीन इथाइल बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल ठीक है। इतना नोट करिए, इसके आगे दो तीन लाइन है और रिएक्शन में मैं लिख देता हूँ या नीचे लिखूँ, दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। चलिए, मॉलिक्यूल एंड थस रिड्यूसिंग इथेनॉल इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इंटरेक्शन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। एज अ रिजल्ट द सोल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला नोट करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मैं रिएक्शन यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा था भैया, देखिए रिएक्शन के बाद क्या बन क्या रहा था, क्या बन रहा था देखिए, C2H5OH और बीच में हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, OH C2H5 ये हमारा बन रहा था। ठीक है, अच्छा देखिए ये हमारा बन रहा है, पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है क्योंकि इंटरेक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलिए ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाला टाइप खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम नेगेटिव डेविएशन देखेंगे। ठीक है, कि रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन देता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे इंटरेक्शन बढ़ जाता है, यहाँ पे इंटरेक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है।